So, very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. How Good are you? evening, sir. Very good evening. कैसे हैं सब? बढ़िया, बिल्कुल बहुत सब बढ़िया बहुत अच्छे हैं। सर। सो बच्चे, प्रिकॉशंस भी रखनी है थोड़े से, ओके? प्रिकॉशंस किस टाइप के रखनी है अभी भी? हाथ धोने के सर। यस, वो तो है ही है। और हमारा जो है, अननेसेसरी कोई आउटिंग नहीं होनी चाहिए, है ना? सर तो लेट्स मूव टू द टॉपिक नाउ, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक, बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। सर सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल लाइफ? रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रोल है? सो मेरा ये जो प्रॉब्लम है, इसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज नोट करिए, आप प्रॉब्लम क्या है। अ पर्सन ऑन टूर हैज रुपीज 360, हैज रुपीज 360 फॉर हिज एक्सपेंस। इफ ही एक्सटेंड्स His tour for 4 days, he has to cut down his daily expense. ₹3 Find the original duration of the tour. Find the original duration of the tour. So, बच्चे क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं क्या है इसका स्टेटमेंट। एक पर्सन जो है वो टूर पर जा रहा है और उसके पास जो टोटल अमाउंट अवेलेबल है वो है ₹360। टोटल अमाउंट उसके पास कितना है? ₹360। अब उसमें एट्रेंडम हुआ ये कि लॉकडाउन हो गया भाई। अब तो ये वर्ड आपको बड़ा कॉमन से लगता होगा ना, लॉकडाउन। सो जो ये लॉकडाउन हुआ, ये 4 डेज का लॉकडाउन है और वो फंड्स अब जनरेट नहीं कर सकता है। अब उसके पास जो फंड है वो फंड केवल कितना है? ₹360 का है, ओके? अब उसको 4 डेज के लिए उसने अपना टूर को एक्सटेंड करा है, तो उसका जो डेली एक्सपेंस है उसको उसने कट शॉर्ट कर लिया। जो उसका डेली एक्सपेंस है उसको उसने क्या करा? कट शॉर्ट करा बाय ₹3। ओके, सो अब क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। सो आप बताइए, क्या क्वेश्चन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या हमें गिवन है? यस सर। सो यहां पर मेरे पास टू टर्म्स जो है वो अननोन है। एक टर्म तो मेरे पास है नंबर ऑफ डेज, एक टर्म तो मेरे पास है नंबर ऑफ डेज, ये मेरे पास नहीं है, और एक मेरे पास उसका डेली एक्सपेंस नहीं है। बच्चे बताओ, डेली एक्सपेंस है उसका मेरे पास या नहीं है? नहीं है सर। नहीं तो है ना। सर ये दोनों ही चीजें बच्चे मेरे लिए अननोन है। सो डेली एक्सपेंस को, क्योंकि डेली एक्सपेंस की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है, तो कॉस्ट को मैंने ले लिया, इट इज ₹X। और नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है, सो नंबर ऑफ डेज हमने ले लिया वाई। ओके, अब बच्चे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पर मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दी ₹5 per day, ₹5 per day, और वो दिया आपको 10 डेज के लिए। मीन्स एक दिन में आप ₹5 तक एक्सपेंस कर सकते हो और आपको 10 डेज के लिए पॉकेट मनी मिली है, तो मम्मी ने कितना अमाउंट दिया आपको? फिफ्टी फिफ्टी रुपीज रुपीज बिल्कुल फिफ्टी फिफ्टी। रुपीज ओके बच्चे, सेम इस क्वेश्चन को देखो भाई जरा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है जरा आइएगा, फर्स्ट लाइन देखिए क्या है हमारे पास। अ पर्सन ऑन टूर हैज ₹360
टोटल अमाउंट हमारे पास है 360 रुपीज. सो ये हमारे पास है एक्स, ये हमारे पास है वाई. सो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 360. इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर. ओके चलिए. एंड इसके साथ साथ हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है इफ ही एक्सटेंड हिज टूर बाय 4 डेज. पहले नंबर ऑफ डेज हमारे पास थे y, अब उसने एक्सटेंड करा. कितने दिन एक्सटेंड करा? 4 डेज. सो नेचुरल है जब एक्सटेंड करा तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे. अब जब एक्सटेंड करा है तो डेली एक्सपेंस में से क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें कट शॉर्ट करना पड़ेगा. डेली एक्सपेंस में हमारे पास कितना था पहले, x, कितना कट शॉर्ट करना पड़ रहा है हमें? 3 रुपीस. यस बेटा, 3 रुपीस. कितना हमने कट शॉर्ट करा? 3 रुपीस. क्या हमारे बजट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं. क्यों? क्योंकि वो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, 360 रुपीस. सो इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने इसमें क्या करा, देखे अभी आप देखिए. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट एक्स वाई कितना है हमारे पास, 360. सो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ? रिप्लेस कर दीजिए. नाउ 360 एंड 360 विल बी कैंसिल आउट एंड रिमेनिंग इज 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज आवर सेकंड रिलेशन. ओके, नाउ वी हैव टू रिलेशंस एंड टू अननोन. नाउ वी हैव टू रिलेशंस एंड टू अननोन. टू अननोन मेरे पास क्या क्या है? टू अननोन टर्म्स मेरे पास क्या है सर? x और y. यस, x and y. सो हमने करा क्या सॉल्व करने के लिए, फ्रॉम फर्स्ट वी एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल लाइक y इज इक्वल टू 360 ओवर x एंड दिस इज आवर थर्ड रिलेशन. नाउ विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन फ्रॉम टू, फ्रॉम टू व्हाट वी गेट, 4x मींस 4x, माइनस मींस माइनस, 3 मींस 3 and y is 360 over x is equal to 12. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. So, yes. इसको अब हम लेकर आएंगे quadratic form में. So, it is 4x square minus 3 into 360 is equal to 12. Now, on cross multiplication, अब हम इसको simplest form में ला सकते हैं. So 4 is common, 4 is common, and the other step is x square minus 3x minus 270 is equal to 0. अब आप मुझे बताइए इसके factors possible हैं आपके लिए? Okay, so problem बेटा आपको clear हुआ कि हमने क्या करना था इसमें? Yes sir. Okay, so please note it down. Please note it down. Is it okay? Yes, sir. So let's move to the another question. Yes, sir. Okay, it's fine. Sir, 18 days or 15? 20 days or... Yes, bache, 20 days. 20 days is the correct answer. Yes, sir. Very good. So, next question is for you. Same question, but there is a little bit change in the question. So, note it down. Some student planned a picnic. Some students planned a picnic. The budget for food, was rupees 500, but five of them failed to go.
and thus the cost of food and thus the cost of food for each member increased by rupees 5. Now the question is, how many students attended the picnic? Is it okay? Yes, sir. So क्या मुझे इसमें कोई प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है? No, sir. Okay, so try करें with complete steps, no shortcut, please. So what are the unknown terms? Unknown terms हमारे पास क्या क्या है? Number of students. Very good. And the expense for? Per student. Really nice. So our first relation is? Sir, वो निकालना है ना जितनोंने attend करी है. Yes, बच्चे. 20 आ रहा है सर. बिल्कुल सही है अनिरुद्ध, आपने इतनी शॉर्ट पीरियड में कैसे किया आपने ये? कर लिया सर. वेरी गुड बच्चे. सो आई थिंक यू टेक ओनली 30 सेकंड्स. ग्रेट. सो वेटिंग फॉर द रिस्पांस ऑफ द अदर्स. Another one. अभी मैंने declare नहीं करा कि answer सही है या नहीं है. So अपना response दीजिए. Sir 20. So मैं अभी भी wait कर रहा हूँ remaining students का. Still waiting for the response of the part of from the part of. Rishabh, Parth, Jatin, give your response. Yes, Jatin. Sir, हो गया. 20 आ रहा है. But please tell your answer. 20 days. So yes, I think there is no confusion in this particular question. Yes, sir. No confusion. So let's move to the another question. Okay. So please note it down. One fourth of a herd of camel. Was seen in the forest. Twice the square root of the herd had gone to mountains and the remaining 15 camels were seen on the bank of a river. Find the total number of camels.
So for this particular question, let the total number of camels be X. Okay, now let's move to the another step. 1/4 of the herd camels was seen in the forest. So the number of camels in the forest kitna ho gaya? Number of camels in the forest. Forest ke liye bataiye kitna hua hamare paas? Yes, 1/4. 1/4 means X over 4. Yes, bache, X over 4. Now the next one is twice the square root of the herd gone to the mountains. So number of camels in the forest. In the forest. So forest mein hamare paas kitna hai? Please note it down. Twice the square root. It is twice the square root. Okay. And remaining kitne hamare paas sir? Remaining camels kitne bacha? Sir, 15. Yes, bache, 15. Ab question ke according kya hai? 1/4 hamare paas ye hai. Twice of square root hamare paas forest mein hai. 15 hamare paas remaining hai. But total number of camels hamare paas kitne hai? That is X. So it must be equal to X. Is it okay? Yes, sir. Is it okay? Yes, so sir. It is 15 yes, sir. Is equal to X minus X over 4 minus 2 root X. अब थोड़ा सा एक इशू है कि क्वाड्रेटिक तो नहीं दिख रही. अब क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? बाय टेकिंग एलसीएम. फर्स्ट वी टेक द एलसीएम. सो इट इज 4x माइनस x एंड इट इज 4 टू सर 8. इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर. नाउ ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट इज 15 * 4 इज 16. हियर इट इज 3x एंड हियर इट इज 8 root x. We already discuss about the reducing the quadratic equation. ये quadratic form में नहीं है. अब ये quadratic form में नहीं है तो क्या हम इसको reduce कर सकते हैं quadratic form में? Sir. Yes or no? It can be reduced or not? Sir. Yes. Sir. So with the help of x can be written as root x whole square. It is 8 root x and it is minus 16 is equal to 0. Now let root x is equal to another variable, let it is y. So it can be reduced by 3y square minus 8y minus 60 is equal to 0. Now the question is for you. First you have to find the value of y and then the value of x. Is it? So just factorize it. Isko factorize kariye. Just to factorize and find the value of y and then finally find the value of x. Are you comfortable for this? But 36. 36 is the value of x or it is the value of y? The value of x. Value of x. Okay. Sir, 9. 9. According to you, the answer is 9. 9 yes? Hoga, sir. 9. Hoga. Okay, beta. Check kariye. Sir, 36 hoga, sir. 36. 36 hoga. Okay. 36. So, hamare Parth aur sir, 36. 36. Another one is Anirudh. Yes, sir. Yes, what about the answer? 36 आ रहा है. ओके, परफेक्ट आंसर है बच्चे आपका बिल्कुल. क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं? यस सर. यस सर. अगेन मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा. प्लीज नोट करिए इसको.
आउट ऑफ अ ग्रुप, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ऑफ बर्ड्स, सेवन ओवर टू टाइम्स, सेवन ओवर टू टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ अ पॉन्ड. The two remaining ones are swimming in water. Find the total number of birds. Find the total number of birds. So, मेरे पास unknown term क्या है? What about the unknown term? Sir, number of birds. Yes, bache. So let the number of birds be X. And then read the statement one by one and then form the equation. First, to arrange the statement at one place, form a quadratic equation and then find the number of birds. Is it okay? Yes, sir. Okay. So do it now. Sir, 16. Aryan, very good. Within 30 seconds. लेकिन अभी मैं आंसर वेरीफाई नहीं करूंगा जब तक मुझे और रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगे. What about the answer? Sir, number of birds is equal to 16. Very good, Kushar. Waiting for the response from other students. Parth? Yes, sir, number of birds are 16. 16. Okay, Anirudh? Yes, Anirudh, sir. Give your response. Sir, 16. 16. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. So let's yes, sir. Move to the another question. Let's move to the another question. The question is, a peacock is sitting on the top of a pillar. On the top of a pillar. So let us discuss with the help of one figure. So, a peacock is sitting on the top of the pillar. Here it is a peacock, which is 9 meter high. Which is 9 meter high. From a point 27 meter away, from a point 27 meter away, it is 27 meter away from the bottom of the pillar, from the bottom of the pillar, a snake is coming. Okay, question clear hua? इंटरेस्ट आने लगा या नहीं आने लगा? यस सर. अच्छा आ रहा है, अच्छी बात है. सो अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल
एट द बेस ऑफ द पिलर, एट द बेस ऑफ द पिलर, सीइंग द स्नेक, सीइंग द स्नेक, द पीकॉक, the peacock punch on it. If their speeds are equal, if their speeds are equal, at what distance from the pole is the snake caught? Is the snake caught? But a question, मुझे please आप लोगों में से कोई explain करेगा question क्या है हमारे पास? Any one of you जो आपकी समझ में आया अभी तक? अनिरुद्ध आप मेरी help कर सकते हो बेटा question को explain करने के लिए कि question है कि हमारा और क्या requirement है? तो अनिरुद्ध की साइड से कोई रिस्पांस नहीं है, सो मेरी हेल्प करेंगे कुशार्क, आप कर सकते हो? कुशार्क आपको जो लैंग्वेज है वो समझ में आई बेटा क्या है? यस और नो? यस सर, थोड़ी थोड़ी आई सर। तो बच्चे इस हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी आई इसलिए तो बच्चे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम को। क्या चीज आपको समझ में आई है मुझे इस फिगर की हेल्प से बताइए। स्नेक कहाँ पर है, पीकॉक कहाँ पर है, पहले तो उनकी पोजीशन बताइए। देन सर स्नेक तो सर वो सर पीकॉक तो सर एक 9 मीटर। वेरी गुड है बेटा। पीकॉक तो किस पॉइंट पर है आपका? बी पॉइंट पर है। ओके ओके बच्चे, अब क्या है जो स्टोरी है उसमें क्या ट्विस्ट आ रहा है? देखिए सर जो स्नेक है सर सर वो पीकॉक को देख रहा है सर। ओके पीकॉक स्नेक को देख रहा है बेटा अभी तो। हाँ सर फिर क्या हुआ? बिल्कुल सही चल रहे हो। जैसे ही इसने पीकॉक ने स्नेक को देखा तो क्या हुआ? कौन अपने आप को सेव करेगा, पीकॉक करेगा या स्नेक करेगा? सर पीकॉक। पीकॉक अपने आप को सेव नहीं करेगा बच्चे, पीकॉक स्ट्रॉन्ग है। ओके देखो जरा लैंग्वेज सुनो, किसने पंच लिया? पीकॉक ने लिया। किसके ऊपर? स्नेक के ऊपर। Yes, मेरे साथ देखो जरा बेटा क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है। यस बच्चे मतलब पीकॉक। यस बच्चे पीकॉक जो है वो कितनी स्पीड से अगर वो अटैक करे। यस ताकि वो सांप पकड़ ले सर वो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने बच्चे सही आइडेंटिफाई करा। सो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिलेशंस आते हैं। फर्स्ट पहले इनकी डायरेक्शन लेते हैं बच्चे, हमारे पास क्या क्या है। सो फर्स्ट तो मुझे चाहिए यहाँ पर क्या कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, इट इज 27 मीटर। इज इट ओके? अब सेकेंड हमारे पास क्या है कि दोनों की स्पीड कैसी है? सेम। लेट द कॉमन स्पीड, लेट द कॉमन स्पीड इट इज वी मीटर पर सेकेंड। ओके इट इज वी मीटर पर सेकेंड। कॉमन स्पीड क्यों मैंने वर्ड यूज किया बेटा यहाँ पर? स्पीड इक्वल है उसकी, दोनों की स्पीड इक्वल है आपने बताया। यस बच्चे ओके। अब ये कह रहे हैं बेटा कि जितना स्पीड से ये बढ़ रहा है उतना ही डिस्टेंस ये भी कवर कर रहा है। मींस जितना डिस्टेंस हमारा सी टू डी है सेम डिस्टेंस हमारा डी टू बी भी है। इज इट ओके? Yes, यहाँ से स्नेक मूव कर रहा है, जितना डिस्टेंस स्नेक ने कवर करा है सेम डिस्टेंस पीकॉक भी कवर करेगा। इज इट ओके? चलिए अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ए टू सी आपका टोटल डिस्टेंस कितना है? 27 मीटर। अभी हमने क्या लेट करा है वो भी ले लेते हैं। लेट सी डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। अब आप मुझे बताइए कि AD की मेजरमेंट क्या होगी? 27 माइनस। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, इट इज 27 माइनस x। अब मुझे बताओ मेरी रिक्वायरमेंट क्या है?
मेरी रिक्वायरमेंट बेसिकली है क्या? एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू पहले हमें चाहिए। ओके, सो यहां से मुझे बताइए, ये है 27 माइनस एक्स, इज इट ओके? इट इज 27 माइनस एक्स। अब आप मुझे बताइए, मैं ट्राइंगल डी ए बी की हेल्प लेना चाहता हूँ, सो मुझे क्या डी ए बी की हेल्प से मुझे कुछ मिल पाएगा? डी ए बी की हेल्प से मुझे क्या चीज मिलेगी बच्चे? मैंने ट्राइंगल लिया, इट इज डी ए बी। डी ए बी क्या सर? ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है सर, राइट। हाँ यस, जब राइट ट्राइंगल है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, इट इज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है बताओ? पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है? इसी फिगर के अकॉर्डिंग, दैट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मींस मैंने यहां पर ये लिया, अब BD मेरे पास कितना है? दैट इज x। DA हमारे पास कितना है? इट इज 27 माइनस x, और AB हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज 9 स्क्वायर। सो अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया, दैट इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्या आप इसको सिंपलीफाई करेंगे? इज इट क्लियर? सो पहले इसको कॉपी करते हैं एंड देन हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पर 15 बेटा, 15 अब क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन में 15 चाहिए या मुझे कुछ और चाहिए? 12 होगा सर। बेटा 12 क्यों होगा आर्यन सर? वो कितने डिस्टेंस पे पकड़ेगा बेस से? वो जितना डिस्टेंस वो कवर कर चुका है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुका है? एक्स मीटर, ये तो उसने कवर कर लिया ना। अब आपको रिमेनिंग डिस्टेंस में, अब वो आपको रिमेनिंग डिस्टेंस जिसको मैं अभी रेड से ले रहा हूँ, यही तो है मेरे लिए जहां पर डेंजर है उसके लिए, है ना? यही तो है उसके लिए रेड जोन। आजकल इस एरिया को हम क्या कहते हैं? आजकल के टाइम में हम इस एरिया को क्या कह रहे हैं बताओ? नंबर ऑफ कोविड केसेस ज्यादा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेड जोन। सो ये स्नेक के लिए भी रेड जोन है। मुझे यही डिस्टेंस बच्चे फाइंड आउट करना है, और ये मेरे पास डिस्टेंस है, दैट इज 27 माइनस एक्स। सो फाइनली आपको चाहिए 27 माइनस एक्स, इज इट ओके? सो पहले तो मुझे फैक्टराइज करके बताइए वैल्यू क्या आई आपके पास। फैक्टराइज भी नहीं करना होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल वे में ही सॉल्व हो रही है ये, तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। हाँ क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? डिग्री दोनों की कैसी बच्चे? सेम, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप मुझे एक्स की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। एक्स इज इक्वल टू, यस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 15 वेरी गुड बेटा, x इज 15 मीटर, लेकिन ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? द स्नेक इज कॉट एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है बेटा मेरे पास? इट इज 27 माइनस x, it is 27 minus x meter, and we already find the value of x, that is 15, so final answer is 12 meter. So conclusion kya nikla hamara? 12 meter. Kya ye aapko clear ho gaya? Beta kya mujhe isko fir se explain karna hai? No sir, figure sir samajh nahi aaya sir, matlab figure bahut simple hai। ए बी हमारे पास एक तार है, बी पॉइंट पर पीकॉक है, सी पॉइंट से स्नेक ने मूव करना शुरू करा। फर्स्ट इसने कितना डिस्टेंस कवर करा? एक्स मीटर करा, क्योंकि स्नेक की और पीकॉक की स्पीड जो है वो कैसी है? सेम है। सो जितना डिस्टेंस हमारा स्नेक कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस पीकॉक भी कवर करेगा,
सो दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर अप करा. इज इट ओके? यस सर. पूछ रहे हैं कि जो डेंजर जोन है जो मैंने अभी आपको रेड से रिप्रेजेंट करा हुआ है, ये फाइंड आउट करिए कि ये कितना डिस्टेंस है. सो हमने क्या करा, यहाँ पर टोटल है 27, ये हमारे पास है x, सो रिमेनिंग हो गया 27 माइनस x. x हमारे लिए अननोन है, सो हमने पाइथागोरस की हेल्प ली. सो पाइथागोरस की हेल्प से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमें चाहिए रिमेनिंग डिस्टेंस, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, इट इज 27 माइनस x. ऋषभ समझ में आया बेटा? यस सर. ओके बच्चे, सो इसको नोट कर लीजिए आप. नोटेड. सर हो गया. यस सर. नोटेड. कंप्लीट सॉल्यूशन. यस सर. कंप्लीट सॉल्यूशन. सो इज देयर एनी डाउट? क्या मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं? No, sir, हो गया सर. ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन. आपके यूनिट टेस्ट हैं, डेट शीट आ गई आपके पास? यस सर. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सिनेरियो पर बेस है कि यूनिट टेस्ट में हमारे साथ क्या होता है, डिस्कस करें. इन इन अ क्लास टेस्ट The sum of Parth, आपका ही डिस्कशन चल रहा है. In a class test, the sum of Parth marks in Maths and English is 3030. Had he got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. The product of his marks would have been 210. Find his marks in 2 subjects. Is there any problem regarding the statement, Parth? Yes, sir. बच्चे क्या हुआ था आपका, ये जो यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें कुछ बताओगे आप कि मैथ्स और इंग्लिश का टोटल 30 marks का था, फिर 2 marks आपके मैथ्स में इंक्रीज हो गए और 3 marks लेकिन इंग्लिश में आपके लेस हो गए, और उसका जो प्रोडक्ट है वो भी हमें गिवन है. अब आपसे पूछ रहे हैं कि मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स बताइए. सो पार्थ, आपको तो पूरा क्वेश्चन पता चल गया है. यस सर. चलिए बेटा, आप ट्राई करेंगे या मैं ट्राई करूं? करेंगे सर. वेरी गुड बेटा, करिए. अच्छा, अननोन क्या क्या है मेरे पास? सब्जेक्ट से इंडिविजुअल मार्क्स नहीं पता बच्चे. एक तो हमारे पास क्या है, चलो सम पता है सर. आप ट्राई करिए. ओके, बेटर रहेगा. मैं हिंट नहीं दे रहा हूं आपको कोई. सर क्वेश्चन क्या है? अच्छा अनिरुद्ध, आपके साथ प्रॉब्लम थी ना अभी नेटवर्क की? Yes, sir. अनिरुद्ध, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक हमारे ग्रुप मेंबर है पार्थ. Yes, sir.
इनका मैथ्स और इंग्लिश में जो टोटल है वो है 30 मार्क्स का. तो प्लीज नोट इट डाउन, द सम ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30. ओके, अब पार्थ ने रीचेकिंग करवाई मैथ्स की कॉपी की. सो इनके मैथ्स में 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए. ओके, बट लेकिन एक प्रॉब्लम आई इनको, इंग्लिश में इनके 3 मार्क्स लेस हो गए. इंग्लिश में इनके 3 मार्क्स लेस हो गए और इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है 210. प्रोडक्ट है मार्क्स का 210. यस सर. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड हिज मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स. बेटा क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में आ गया? यस सर. सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप मुझे आंसर देंगे. मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताइए. सर मैथ्स में 17 एंड सर इंग्लिश में 13. बट एक बार चेक करेंगे आप अपना आंसर, कुछ चेंज तो नहीं हुआ? आप बिल्कुल आंसर के आसपास हैं, एक बार चेक करिए. Aryan, is there any doubt? Sir, 18 or 12. Maths में. 18 कितना है बच्चे? Maths में. Yes, sir. और English में कितने हैं? 12. Okay. Oh, sir, गलत है. अच्छा. Sir, 18 or 12 और 17 or 13. बेटा 17 and 13 अनिरुद्ध क्या है बेटा ये? मतलब सर दो वैल्यू आ रही है मैथ के लिए भी और इंग्लिश के लिए. 17 मार्क्स किस में है सर? सर इंग्लिश में. बताइए बेटा सब्जेक्ट बताइए. सर इंग्लिश में. वेरी गुड, इंग्लिश में 17 मार्क्स. सो मैथ्स में कितने हो जाएंगे? 13. क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सम हमारे पास कितना है? 30 है. सही है. फर्स्ट आपका आंसर ये होगा. सेकंड आंसर क्या हुआ आपका? सर मैथ्स में 12 और इंग्लिश में 18. ओके, सो मैं देखता हूँ कि बाकी क्या रिस्पांस दे रहे हैं, अदरवाइज हो सकता है कि मुझे एक्सप्लेन करना हो. सर इनका प्रोडक्ट सर 210 है. यस बच्चे, द प्रोडक्ट इज 210. सर तब तो आया नहीं आंसर उस हिसाब से. हम्म, सर उस हिसाब से आंसर आ नहीं रहा. बच्चे देखो, मैं आपको सिंपल है कुछ हिंट दे रहा हूँ. लेट मैथ्स मार्क्स, मैथ्स मार्क्स हमारे पास है x. सो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे मार्क्स मुझे बताइए? 30 माइनस x. यस वेरी गुड, इट इज 30 माइनस x. ओके, अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मैथ्स में x से 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए, बट इंग्लिश में कितने मार्क्स रिड्यूस हुए हैं? लेस हुए हैं, दैट इज 3. अब इनका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारे पास है, दैट इज 210. सो फाइनली वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, दैट इज x प्लस 2 एंड 27 माइनस x. सो जस्ट टू ओपन द ब्रैकेट and now reduce it and split the middle term. Is it okay now? क्योंकि अब आपके पास ये quadratic equation है, so आपको x की कितनी values मिलेंगी? 2 values मिलेंगी.
जब आपके पास टू वैल्यूज मिलेंगी, तो एक बार आपके पास क्या आ गए मैथ्स मार्क्स और एक बार आपके पास क्या आ गए इंग्लिश के मार्क्स। इज इट ओके? ओके सर। सो कहां कंफ्यूजन था आपको सर? वो सर जब टर्म स्प्लिट करी तो सर फैक्टर्स आगे पीछे लग गए थे सर। चलिए, आज के सेशन में मुझे बताइए कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्रिक यूज करी थी, बताइए वो ट्रिक क्या है। आज हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा है, एक ट्रिक यूज कर रहा था मैं। क्या मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दिया आज? सर आपने क्या करा, अपनी प्रॉब्लम्स को पहले एनालाइज करा एंड देन वो जो स्किल्स है ना कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपने अपने आप करा। मैंने आज कोई भी इनिशिएटिव आपके पार्ट पर नहीं लिया। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने सारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से करा। थैंक यू सो मच। अब आप मुझे बताइए कि अब कोई डाउट है आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में? सर नो। सो अब आपका होमवर्क क्या है? The problems based on the word problems, miscellaneous problems, क्योंकि हमने topic wise उसको discuss कर लिया। Okay, so that's all from my side. Thank you so much. Okay, thank you, sir. Okay, bye. Take care. Bye, 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 sir. Take care. Bye, sir. Okay, wait.